find, you can see here Ashwini Gupta Memorial Inter-School Speech Competition. As the word suggests you, this is a speaking competition, so you are not supposed to read your script, right? You have to be careful while presenting it. Like three things we will be judging you, that is your subject matter, that is your pronunciation, be it in Hindi or English. That's why from Hindi side Shaluti and from English side I will be judging you. And then third is your, as I am using my hands, my eyes, my body, yes, so these are our gestures, okay? So this is supposed to be there in any speakers, these three things. This is the criteria laid down by, given to us by those who will be there in district level competition. Okay, these three things will be observed by them. And now I take my seat and hand over this mic to you all seven, okay, candidates. आदरणीय प्रधानाचार्य प्रिय अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं मुस्कान कक्षा 12वीं की छात्रा आपके समक्ष नशा मुक्त पंचकुला पर कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ। कृपया ध्यान से सुने। जैसा कि हम जानते हैं, नशा यह केवल पंचकुला की समस्या ना होकर पूरे देश की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। अक्सर लोग जीवन के तनाव तथा विफलताओं से पीछा छुड़ाने के लिए नशे की लत का सहारा लेते हैं, जिसका परिणाम एक दिन उन्हें नशे का गुलाम बना देता है। हृदय की पवित्रता तथा विचारों की शुद्धता के लिए नशा मुक्ति बेहद जरूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन माना गया है। नशीले पदार्थों का सेवन करने से हम स्वयं के दुश्मन बनते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नशे के हर एक पैकेट पर यह लिखा होता है कि नशे से हमारी जान बचा सकती है एवं ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, पर इसे पढ़ने के बावजूद लोग इसका सेवन करते हैं तथा अपना जीवन की ओर मृत्यु की ओर लेके जाते हैं। घरों को देखकर आजकल बच्चे भी नशे करने लगे हैं। जिनकी उम्र देश को सुधारने की है, वह माँ की कान की बालियां बेच बेच कर नशे का सेवन कर रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारियां इन्हीं बुरी आदतों की वजह से आती हैं। 70% से अधिक अपराध लोग नशे की हालत में ही करते हैं। यह भी सत्य है कि आप किसी नशेड़ी व्यक्ति को तर्क के आधार पर पराजित नहीं कर सकते। उनके पास कुछ ऐसे तर्क होंगे जिनके जवाब आपके पास नहीं होंगे, जैसे कि मैं गम भुलाने के लिए पीता हूँ, टेंशन दूर करने के लिए पीता हूँ, नशे से दिमाग हल्का होता है। लेकिन इन्होंने ऐसा साबित कर दिया है कि ये जानबूझकर नशा नहीं करते हैं। नशा एक बुरी आदत ना होकर यह एक दवाई है। अगर ऐसा होता तो वैज्ञानिक, गणितज्ञ एवं हर एक अपने जेब में एक शराब की बोतल लेके घूमता था। जब उनको टेंशन होती तब वो एक घूंट लेकर पी लेते। लेकिन ऐसा नहीं है। नशा एक बहुत बड़ी कैंसर जैसी बीमारी का वो है जिससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। अच्छा, एक बार ये सोचिए, जिसमें एक परिवार हो, एक चार पांच सदस्य हो और एक मुखिया हो जो उसमें पैसे कमाता हो, सारा परिवार उसका इंतजार कर रहा हो जो आएगा, उसके कारण चूल्हा जलेगा, लेकिन वह नशा में होकर आए और एक होटल अपने हाथ में लेकर आए और अश्लील बातें करे और मारपीट करे, तो उस परिवार पर क्या बीतेगी? अगर हम नशे का सेवन नहीं करेंगे तो हमारे लिए कितना ज्यादा अच्छा होगा। अपना नहीं तो परिवार का ख्याल करो, नशा छोड़कर सबका कल्याण करो। ड्रग्स एंड अल्कोहल, द कट ऑफ योर इमोशंस इन द एंड। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन प्रेजेंट इन दिस रूम। आई स्टैंड बिफोर यू टू प्रेजेंट माय स्पीच ऑन ड्रग्स एंड इट्स नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑन पंचकुला। सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट पंचकुला। पंचकुला इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी विच एंजॉयज द थिकेस्ट फॉरेस्ट एंड हैज अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन मोरनी हिल्स। बट एज वी ऑल नो, परफेक्शनिज्म इज अ मिथ। हेंस देयर इज अ इंपरफेक्शन who is acting like a cancer to our beautiful city and is capable of completely deteriorating the area. Yes, I am talking about drugs and its abuses. So let us now illustrate a case that took place in my locality, wherein a suspect named Kuldeep Kangra was arrested for peddling 14 grams of heroin. Over 2,300 people die annually in India due to the use of drugs. Students are too vulnerable for this substance. It was found that students start consuming drugs and alcohol due to over pressure and unfair expectations of society. The families too are pressurizing them for the increase in the demand.
They use it in order to calm down their state and mental agitation. Sadly, the students fail to realize that the consumption of drugs has been a severe impact in the physical and mental health. So if once in your life you had an idea to make a complete mess out of your life, you can always take a road to drugs. So to tackle this situation, government has prepared a national action plan for drugs and demand for 2018 to 2025. Plan mainly focuses on preventive education, identification of counseling and treatment, rehabilitation and drug dependent persons, training and capacity building of services providers through collaborative efforts and NGOs. Article 47 has also been introduced in the constitution, which prohibits the intoxication of drugs and issues an obligation to the states for maintaining the nutrition and standard of living. So would it be the only duty of the government for the prevention of drug supply? No. We also should take part in this fight, following other things that can be done. Identifying drug addicts and taking immediate actions. You can call to the helpline number of Haryana Police 708-708-1100. Or if you see a drug peddler peddling drugs, you can immediately call to the number 90508-91508. Counseling of the drug addicts can be beneficial. Gathering NGOs, RNAs and education it is to stress upon the topic drugs are bad. Performing many Nukkad Natakas and other performances to give the message about the abused drugs, abusing drugs. While telling the police, we should keep the name of the addicts as confidential. At last, don't let drugs control you when you're in control of your future. And to all the students, I pray their well-being and request away from their life-threatening diseases. Thank you.